हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? तो आज हम पोहा से बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो कि ठंड के मौसम में सभी लोग को पसंद होता है, खास करके बच्चे लोग को। एक बार बनाइए, महीनों दिन तक खाइए, ऐसा रेसिपी है। तो यहाँ पर देखिए, पोहा को अच्छी तरह से चुन लिए, मतलब इसमें कुछ नहीं है, और इसे रिफाइंड या घी में आप इस तरह से मतलब फ्राई करना। आप छान भी सकते हैं, पर यहाँ देखिए हम इस तरह से भून लिए हैं, और इसके अच्छी तरह से भूनने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो मेरे चैनल पर नए नए रेसिपी आते रहते हैं। अभी ठंड का मौसम, बहुत सारे लड्डू बनाएंगे, आप देखिएगा। तो इसको भी पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से भून ले रहे हैं, आप छानना चाहते हो तो छान सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से भुंजाने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भुंजा गया है, और ये बहुत अच्छा लगता है, कुरकुरा लगता है। आप एक बार बनाइए और एयर टाइट डिब्बा में करके रख दीजिए। जब भी बच्चे लोग को शाम को भूख लगे, या टिफिन में भी आप दे सकते हैं, मतलब कि जैसे मीठा खाने का कुछ मन है, जैसे आप पराठा भुजिया दे रहे हैं या कुछ और भी दे रहे हैं नमकीन, तो उसके साथ एक दो लड्डू इसे भी डाल दीजिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है, मीठा भी हो जाएगा और नमकीन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भूंज के हम निकाल लिए पोहा को। यहाँ पर गुड़ ले रहे हैं, और गुड़ को अच्छी तरह से इसे पिघला लेंगे, एक तार होने तक पिघलाना है, मतलब कि इसको तार बनाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हम चलाते जाएंगे, और धीमी आंच पर इसको बहुत अच्छा से बना लेंगे। और ठंड के दिन में गुड़ खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और गुड़ का तो बहुत सारे रेसिपी आते हैं, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे रेसिपी आएंगे गुड़ का, तो आप पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए रेसिपी मिलते रहेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से चलाते रहना है, और गुड़ को अच्छी तरह से तार बना लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, धीमी आंच पर पकाना है। तेज़ आंच पर करिएगा तो गुड़ जो है उफान मारेगा और फिर नीचे गिर जाएगा, तो वो ठीक नहीं रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से बनाते रह रहे चलाते रह रहे तो इस तरीके से आपको भी चलाते रहना। और जो हम चूड़ा निकाल कर रखे थे, मतलब पोहा को, उसको इसमें हम डाल दिए हैं और मिला दिए हैं। मिलाने के बाद यहाँ पर हाथ में पानी डाल के और गोल गोल लड्डू बना दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी बना के रखिए, एयर टाइट डिब्बा में रख दीजिए, ताकि मैं एक दिन बनाइए और महीनों दिन तक खाइए। तो इस तरीके से हम बना के रख लेते हैं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम बना के रख लेंगे, और महीनों दिन तक इसको बहुत ठंडा खिलाएँगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप भी, और भी हम लड्डू बहुत तरीके से बना के लेकर आएंगे चैनल पर। तो ठंड के मौसम में कौन कौन से लड्डू खाए जाते हैं, ये भी पूरा हम वीडियो दिखाएंगे, और बहुत सारे रेसिपी लेकर आएंगे। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए लड्डू बनके तैयार हो गया। अब इसको एयर टाइट डब्बा में रख देंगे, और बच्चों लोग को मेहमान आने पर खिला